दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे सेकंड में। देखिए जब आपको विक्रय दे रखा है इसको क्रय बनाएंगे यानी कि सीपी, तो कास्ट प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी 16 हो जाएगी, और जो क्रय दे रखा है इसको विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। क्रय को विक्रय, विक्रय को क्रय बना लो बस, इसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। अब आपको 16 में क्रय किया 21 में बेचा, तो 16 में क्रय किया 21 में बेचा मतलब आपको 16 में 5 रुपये का आपको लाभ हुआ। अब 5 रुपये लाभ कितने हुआ, 21 16 पे हुआ इंटू 100/1, तो 4 से काटा 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125 बट्टा 4, 4 का भाग लगाएंगे 4 3 12, 4 1 4 और 31 से 1/4 % उसको लाभ हुआ, 31 से 1/4 % इसको लाभ। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया है ना, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपन। एक क्वेश्चन और देखिए, ऐसे ऐसे रीजनिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आयत ये आपके सामने एक आयत बना हुआ है, ये आयत बना हुआ, अब इसकी लंबाई मान लो कि 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई मान लो कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने कहा कि इसका क्षेत्रफल, तो अगर अभी यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, 10 × 5 = 50 हो जाएगा, ठीक है। अभी कह रहा है कि इसकी लंबाई को 20% बढ़ा दी जाए, अगर इसको 20% बढ़ाएंगे तो 10 × 20% = 100, 20 × 200 = 500, 5 यानी 2 बढ़ गया तो 10 + 2 = कितना हो गया, ये तो 12 हो गया। यहाँ पे 10% कम कर दी जाए तो 5 × 10/100, 10 × 10 = 100 और 5 × 5 = 10 यानी कि 1/2, तो 1/2 कम करेंगे तो 5 − 1/2, तो यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा तो 5 × 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो ये बच्चा 9/2 बच्चा, ठीक है 9/2। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, देखो लंबाई कितनी 12, चौड़ाई कितनी इसकी 9/2, तो 2 से काटा 2 × 12 तो 9 × 54। अब पहले क्षेत्रफल था दोस्तों इसका, पहले क्षेत्रफल था 50, अब क्षेत्रफल आया 54। अब ये कह रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 50 से 54 हो गया यानी कि 4 बढ़ा, कितना बढ़ा 4 बढ़ा, तो देखो ये हो जाएगा, हाँ रखा 4/50 × 100/1, 50 × 2 = 100, 4 × 2 = 8 यानी कि 8% बढ़ जाएगा क्षेत्रफल, कितना बढ़ गया 8% बढ़ गया। पहले क्षेत्रफल उसका 50 था, अब कितना आया क्षेत्रफल उसका 54 आया, तो 50 से 4 यानी कि उसका 54 यानी कि 8% क्षेत्रफल उसका बढ़ गया। तो आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।